नमाज़ पढ़ रहे हैं। आयान की नमाज हो चुकी है। वेरी गुड। हम आप सबको बहुत 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 हमारी पूरी फैमिली की तरफ से जुम्मा शरीफ मुबारक और नमाज वमाज सब हो गई। आयान भी फारिग हो गया नमाज पढ़ के और परी भी वीडियो बना रही है और माशाल्लाह आज परी भाई कहते मेरे सुना रहा है कि बच्चा अपना नाम बहुत खास है। मेरे घर पे जब भी आना आधी रात भी आएगा तो यही आएगा, है ना। कभी टाइम भी हो जाता है तो ये बेचारा लेके आता है। मेरा अभी जाने का हो नहीं रहा तो बेचारा कुछ सामान लेके आया तो ये नोटरी मेरी लेके आया। माशाल्लाह कितनी प्यारी बनाती है। एकदम स्पेशल परिंदा ने बोले थे आप जाएंगे ना उधर सऊदी तो आपको मैं नाती डेली बनाती हूँ। तो बताना नोटरी कैसी लग रही है। फोन बंद कर रही है बार बार। हाँ गए ना उसके हाथ में बेटा बंद चालू कर रही है फोन। और माशाल्लाह से भी हम लोग बैठे हैं। बाकी की अपडेट आपको बाद में देते हैं। अपडेट आपको देते हैं। खाना वाना हो गया। आज स्पेशल दाल गोश्त बना था और दाल गोश्त खा लिए और पापड़ तले थे उसके साथ में बघारे चावल। और थोड़ा आज बहुत जरा अफसोस हो रहा अपने एरिया में। पवई में एक बच्चा था उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया तो ऑफ हो गया। दिल अच्छा नहीं लग रहा है करके क्या बेचारे का ऐसा हो गया। पर आवाज़ कम करके इनका बच्चा था कल बाइक से जा रहा था तो कुछ ट्रक वाले ने उसको टक्कर दे दिया तो बेचारे का भारी सर का भेजा वैसा सब निकल गया। इसलिए बच्चे लोग को एकदम केयरफुल आप लोग भी रखो अपने बच्चे लोग को। जो बाइक लेके जाते हैं तो उनको फिकर से चलाने बोलो स्लो चलाने बोलो। तो हमारे घर में दानिश भी ऐसे ही चलाता है बहुत दिल धक धक होता है। तो बाइक का एक्सीडेंट ऐसा है कि एक बार आदमी को धक्का भी लगा तो बहुत तकलीफ़ हो जाती है घर की। तो आप लोग भी अपने बच्चों पे ध्यान दो। और बच्चे लोग भी अगर मेरा YouTube चैनल देख रहे हो बेटा ब्लॉग देखते हो तो बिल्कुल अपनी जान से लापरवाही मत करा करो। देखो आप लोग को दूसरे का सुन के इतना दुख होता है तो जिनके घर में होता रहेगा उनका दिल क्या बोलता रहेगा। और बहुत माँ बाप को घर वालों को बहुत तकलीफ होती है बच्चों को फीस पहुँचने की। तो ये बात का बहुत अफसोस हो रहा है करके। और बस बैठे अभी खाना वाना खा के नमाज वगैरह सब हो गई माशाल्लाह से। अरे पहले चावल ले पूरा घर में चावल। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो ये मेरी बहन के तरफ से तोहफा आया है जो मेरी बहन जरो है उसके तरफ से आया है। और ये हमारी भौरानी खड़ी है उन्होंने मुझे पीना है कपड़े माशाल्लाह। और मेरी बच्ची वाला हमेशा खुश रखे और जो कपड़े का बिजनेस कर रही है अल्लाह पाक उसमें ही बरकत दे। तो इनकी आएगी मैं बताती हूँ आपको कौन सी आएगी अल्लाह इनकी आराम। तो आप लोग फॉलो करो। मैंने परसों कपड़ा ही पहनती भी दिखाया आपको और ये भी दिखा तो बहुत अच्छे कपड़े। और दिवाली का टाइम भी था तो आप लोग मुझे जल्दी जल्दी ऑर्डर करो। अभी भी टाइम थोड़ा बचा है फटाफट ऑर्डर करो। और बहन मेरी इतने से आई बहुत अच्छा लगा। मेरे बेटे को भी टोपी नुमान सब पहना है। अयान भी नाम बहुत खुश है और अयान का चेहरा माशाल्लाह इतना नूरानी होते जा रहा है। जाने के लिए नज़दीक आ रहे तो बहुत प्यारा होते जा रहा है। चुमने का और मेरी ये बहन की बेटी लोग भी आए मिलने के लिए। ये हमारी को मतलब मेरी बेटी है ना मेरी बेटी। हाँ और ये मेरी दूसरी बेटी ये बड़ी ये छोटी और ये इसकी बेटी दम्मू ये इसका बेटा दम्मू ये इसकी बेटी है। देखो हमारे घर के खाते पीते घर के बच्चे सब ऐसी है। हाँ सब ऐसी है। ये तो बोलेंगे खाली मेरे बच्चे मोटे है ना सब खाते पीते घर के क्योंकि माँ बाप का खून ज्यादा चूसते हैं लोग। और बेटी लोग भी मोटे मोटे क्योंकि हम लोग खाने पीने में कोई कसर नहीं छोड़ते जो और जो आया आने दो और बाकी चीजों की परवाह नहीं करते है ना। और समीर भी आ रहे हैं काम से। और अभी हम बैठते हैं। बैठ माशाल्लाह जा रहे उमरा करने इतना अच्छा लग रहा है सब लोग मिलने आ रहे तो माशाल्लाह से बता नहीं सकते कौन सी फीलिंग अंदर आ रही है। इतनी खुशी हो रही है जाने की कि पूछो मत कर। माशाल्लाह देखो मेहंदी हमारी पूरी हो गई और मेहंदी लगाई सब मिलने आ रहे और देखो मेहंदी लगी अच्छा भी लग रहा है करके। और माशाल्लाह से भी सब मेरी बहन की लड़की लोग सब लोग आए थे मेरे बीवी वाले भी आए थे। अभी हमारी आसमा भी आई और इमरान भी आए है ना। और हमारा छोटू देखो बैठा होता है एकदम ये तो तैयार है इसमें साथ में लेके जाने वाली है ना। तो माशाल्लाह से हम लोग सब बैठे हमारे जवाई भी आए सोहेल भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेचारे को टाइम ही नहीं मिल रहा घर में बैठने इतने लोग आ रहे जा रहे तो बेचारे बिल्डिंग के नीचे बैठे थे लोग जाते कब से दोपहर में सब चालू है आने जाने का। तो अभी देखो मेरी बेटी की ननान और मेरे इमरान भाई ने अभी हम लोग के लिए हार फूल ये देखो देखो ये जियान आयान को पहनाएगा आसमा मेरे को पहनाएगी
हमारा इमरान भाई का अरेंजमेंट एक नंबर है। मैं तो बोला था उनका अरेंजमेंट बनाओ बना। चलो आओ। और जो तो मिट्टे में क्या लाया, क्या बोलते सॉल इसको, अरेबियन पुडिंग। अरेबियन पुडिंग पहले हाथ में होगी ना, मैं तेरे को हाथ चुनने का दर्द ना अरे रुके यार। अरे वापिस गला नहीं दे वापिस किया अल्लाह पाक उनको और इतना सक्सेस करे परवरदिगार, हर परेशानी हर मुश्किल से आसान रखे हमेशा। और मेरे भाई के सर पे तो हमेशा मेरा हाथ रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आज मेरी बेटी का घर बसा है तो ये बच्चे ने बसा है, सही है ना? इमरानी रिश्ता लेके आए थे पहला और ये हमारा छोटू, किस्मत ही बदल गई उसको। अच्छा मेरा ड्रेस लाए, हार फूल सब लाए, आयान भी माशाल्लाह से आए। टोपी कहाँ गई तुम्हारी? अच्छा अच्छा। और आयान के लिए भी कपड़ा देखो माशाल्लाह पठानी कितना अच्छा लाए। और ये मेरे बिल्डिंग वाले लोग लाए, गुलाम भाई की तरफ से है ये, और अजीम भाई ना, अजीम भाई की फैमिली, अलीम भाई की फैमिली की तरफ से। माशाल्लाह लोग आए थे, सब बहुत अच्छा लगा। हम लोग का वीडियो नहीं बनाई थी, हम लोग वीडियो में नहीं आते। और माशाल्लाह इतनी इज्जत नवाजी के लिए बोलते अल्लाह इतनी इज्जत भी देने के लिए ना बोलते नहीं, बहुत वो रहता है जिसको बोलते नहीं अल्लाह इज्जत दे उसको कौन रोके है ना। मैंने सोची नहीं थी कि इतने लोग मिलने को आएंगे घर के। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा सबका, यही अच्छा लगता है सब लोग आके इतने प्यार से मिलने के लिए, यही सबसे अच्छी बात है ज़िंदगी में। क्या चाहिए चार बात करने का लोगों से अच्छी, और कोई क्या कोई लेके जाएगा, कुछ नहीं लेके जाएगा ना, ये लेके जाने अच्छा इखलाक अच्छी बात है। इधर हमारे इमरान बैठे उधर और आस पास, और इमरान कुछ बोलो। बस सब ठीक है, बस जाओ और हम लोग के लिए दुआ करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या मरियम की ज़िंदगी में बहुत बहुत प्यार है। देखो समीर के लिए मैंने ये चांदी का ब्रेसलेट बनाई और माशाल्लाह बहुत अच्छा बना, तो बहुत अच्छा। आप इसके रिंग से समझ सकते रहेंगे कितना हैवी ये रिंग से। और समीर अभी सोना नहीं पहनते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, समीर का हाथ खाली खाली हाथ में नहीं पहनते। तो मैंने बोला कर नहीं, ये चांदी का बना रोजी पत्ता था हमने ये बनाए थे। ये भी मरियम लेके आई है और ये भी मरियम लेके आई, और अभी चांदी पहनता हूँ। ये भी मेरे गले में भी है चांदी का तावीज़ की, ये भी मरियम लेके आई लेके आई। अभी कल परसों से जाएगी ये, परसों से 15 दिन के लिए सऊदी जा रहे हैं उमरा करने के लिए। ये और आया 15 दिन के लिए, मैं इनको बहुत मिस करूँगा क्योंकि हमारी मेरी भी जिंदगी एकदम छुट्टी फैमिली है। चार लोग गिन गिन के चार पांच लोग हमारी फैमिली है, उसमें से आधी फैमिली हमारी आधी फैमिली में ये रहेगी। इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि हम लोग साथ में जाएंगे, मैं और मरियम साथ में उमरा करने जाएंगे। तो जिस दिन भी जाएंगे उमरा करने के लिए, मैं भी ये बोलता हूँ मैं क्लॉक वाली उसमें हम लोग दोनों में हरमान है अल्लाह हर औरत की ऐसी नसीब बनाए कि अल्लाह उनके शौहर उनको अल्लाह का घर दिखाए। बस मेरी ये दुआ है जैसे मैं खुश रहती ना, हर मोमिन मुसलमान औरत हर कोई ऐसी खुश रहे करके। मैं तो बहुत खुश हूँ जिंदगी में।
मेरी छोटी सी दुनिया है, ये हाथ मेरा सिमट के, मैं सबको ऐसा सिमट के रखती हूँ। बस आप लोग भी अपनी फैमिली को ऐसे सिमट के रखो, तो कोई तकलीफ नहीं आए। आपके बच्चों के साथ में आप लोग दोस्त बन के रहो, आपके हस्बैंड के साथ में आप दोस्त बनो। कभी मतलब बोलते रहे, कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, हर टाइम औरत बन के ही नहीं होता है ना, कभी दोस्त भी बनना पड़ता है। दोस्त बनना पड़ता है, कभी माँ बनती है, कभी बहन बनती है, सब बनती है। रेक यही है ना, सब चीज़ आदमी का क्या लाइफ में कम ये रहता है। और मेरे लाइफ में तो बहुत ही कम लोग हैं, क्या ना कोई फ्रेंड्स है ना कुछ है। जो कुछ है मेरी फैमिली है, तो उसमें फैमिली में आती यही है पहली। क्या अगर कुछ तकलीफ भी है तो भी यही है, खुशी भी है तो भी मरियम ही है, कुछ भी है, डॉक्टर है, ये है, करना वो करना, तो सब मरियम करती है। क्या एक आज तक ज़िंदगी में मैंने कभी कपड़े विपड़े इसके बगैर मर्जी के मैं कभी ले सकता हूँ, जो भी रहता है इसका ही रहता है, यही करती है। तो मैं अच्छे से जिम्मेदारी निभाती नहीं, तुम लोग की बच्चे सबकी जिम्मेदारी निभाती है अच्छे से, अल्लाह पाक और अच्छे से अल्लाह पाक जी ने अल्लाह पाक कभी तकलीफ नहीं आए उनको, और अल्लाह पाक बुलंदी पे चढ़ाए, और ऐसे अपने बच्चे की और अपनी औरत की दुआ लेते रहे। जो आदमी ने औरत बच्चे की दुआ लिया ना, अल्लाह ने रास्ता उसका हमेशा क्लियर किया है। ये तो सही बात है, एक से एक बात है। जो औरत घर में खुश रहे ना, वो आदमी आबादी रहता है। जब औरत घर में रहती है, आदमी फालतूगिरी करता है, औरत बदवाए देती रहती है, बच्चे चिड़चिड़े, वो कभी सक्सेस नहीं होता, सक्सेस नहीं होता, कभी नहीं होता है। वो छोटे से ऊपर है, इसी का राज यही है, साथ में ही है। कभी एक दिन भी अपनी माँ के यहाँ रह देने के, इतना साल हमारी शादी तो मैं तीसरी बार जा रही हूँ 15 दिन के इसके ऊपर, पर वो भी ये उमरा करके अजमेर शरीफ भी भेजता हूँ, तो 3 दिन में वो रिटर्न आती है, 3 दिन के ऊपर रिटर्न आती है। तो आप लोग दुआ में याद रखो, और ऐसे हमारे लिए दुआ करना, हम लोग जब तक जिंदा है हमारा प्यार ऐसा ही रहेगा परवरदिगार, और अल्लाह नज़र से बचाए हर किसी के घर में, अल्लाह सुख और शांति दे परवरदिगार, यही दुआ है हमारी। चलो मैं पार्टी वीडियो बना लेती हूँ ना, और ये देखो माशाल्लाह मुझे गिफ्ट आए हैं, मैं बोली जाने से पहले बना लेती थी, आने तक 15 दिन तक बेचारे वेटिंग में रहेंगे। और ये क्या क्या गिफ्ट आया है मैं आप लोग को बताती हूँ, तो भी आप लोग देख के साथ में ही। मैं कभी एक दिन भी अपनी माँ के यहाँ रह देने के, इतना साल हमारी शादी तो मैं तीसरी बार जा रही हूँ 15 दिन के इसके ऊपर, पर वो भी ये उमरा करके अजमेर शरीफ भी भेजता हूँ, तो 3 दिन में वो रिटर्न आती है, 3 दिन के ऊपर रिटर्न आती है। तो आप लोग दुआ में याद रखो, और ऐसे हमारे लिए दुआ करना, हम लोग जब तक जिंदा है हमारा प्यार ऐसा ही रहेगा परवरदिगार, और अल्लाह नज़र से बचाए हर किसी के घर में, अल्लाह सुख और शांति दे परवरदिगार, यही दुआ है हमारी। चलो मैं पार्टी वीडियो बना लेती हूँ ना, और ये देखो माशाल्लाह मुझे गिफ्ट आए हैं, मैं बोली जाने से पहले बना लेती थी, आने तक 15 दिन तक बेचारे वेटिंग में रहेंगे। और ये क्या क्या गिफ्ट आया है मैं आप लोग को बताती हूँ, तो भी आप लोग देख के आज बेचारी रैफा का सेल भी था, और मुझे वीडियो बना के डालना था, तो रैफा का ये बहुत लेट आ चुका, तो मैं नहीं बना पाई। तो आइए आप लोग भी खाना खाने के लिए, माशाल्लाह सब लोग खाना खाने बैठे हैं। अभी समीर का तो हो गया है, और हम लोग ने आज बनाया ये अनाप ने मुझे अभी देसी घी में चावल फ्राई करके दिए, और दाल मखनी बनाए, तो मैं दाल मखनी का वो क्रीम नहीं खाती, तो मुझे ऐसे निकालते लोग साबुन, सॉरी। और ये कुछ क्रीम चिकन बनाए रहे, ये भी मैं नहीं खाऊंगी, अनाबे तो ला के रखी है, इसके अंदर क्रीम है ना, क्रीम वाली चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आइए आप लोग भी खाने के लिए, बिस्मिल्लाह बोल रही हूँ। माशाल्लाह दाल मखनी और रायती बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों का खाना हो गया, बच्चे लोग तो गए बाहर, अभी तक आए नहीं है, हम लोग वही तीन मूर्ति घर में बैठे हैं, हमारी लाइफ में यही है। और अभी आज माशाल्लाह बहुत अच्छे ब्लॉग बने हैं, तो आप लोग कल के ब्लॉग में ज़रूर देखना,
लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपना इसी प्यार देना जो मरियम की जिंदगी ब्लॉग है उसके अंदर, तो उसके अंदर मैं अपनी जिंदगी का ही सब बताती हूँ, सही है ना, जो होता है। तो आप लोग लाइक करो, फॉलो करो, घंटी दबाओ, घंटा मत दबाओ, बेल आइकन का बटन दबाओ, ओके। फिर इंशाल्लाह कल सुबह मिलूंगी मैं, जिंदगी रही तो। और आप लोग दुआ में हमेशा याद रखो, दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।